गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोल साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर फोर्थ एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट टॉपिक इज इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड सेकंड वन इज पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। सो लेट अस स्टार्ट। इंडियन प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। द इंडियन प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जो इंडियन प्रेसिडेंट है ये क्या होता है, एक नाममात्र का मुखिया होता है। लेट अस नाउ नो द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो इसके विभिन्न पहलुओं को जानते हैं प्रेसिडेंट की पद के। क्वालिफिकेशन, जो प्रेसिडेंट है उसके लिए ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी 35 ईयर्स ऑफ एज, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो। ही शुड बी एन एलिजिबल वोटर एंड शुड बी एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू लोकसभा। वो एलिजिबल होना चाहिए, एलिजिबल वोटर, और साथ साथ एलिजिबल फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, चुनाव लड़ने के योग्य भी होना चाहिए लोकसभा का, मतलब योग्यता रखता हो। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 54 of the constitution provides the president is to be elected by an electoral college consisting of elected members of both the houses of parliament and elected members of legislative assembly of the states। isme lok sabha rajya sabha dono sadanon ke chune hue sadasya hissa lete hain aur sath mein rajya vidhan sabha ke sadasya bhi isme bhag lete hain। The election of president is held on the basis of proportional representation, means हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड होता है, पीआर सिस्टम पे। हम पीआर सिस्टम को यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक संगमनीय प्रणाली का यूज़ करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग वोट सिस्टम, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ members of the legislative assembly MLAs and members of parliament means MPs is calculated by using the following formulas। value of one MLA's vote, state population, जितनी उस राज्य की जनसंख्या है, 1000 multiply number of state MLAs and value of one MP's vote, total votes of all MLAs, total members of parliament and the president is elected for a term of 5 years। हमारे यहाँ पर जो प्रेजिडेंट है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। ही इज़ एलिजिबल वंस फॉर री इलेक्शन, वो दोबारा से फिर से री इलेक्शन, वो दोबारा से फिर से चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का एक बार और। रिमूवल ऑफ प्रेजिडेंट, इसको हटाने की प्रक्रिया का, द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग इन हैंड सेंड हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपना जो त्याग पत्र है वो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 आर्टिकल के अकॉर्डिंग द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मीन्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कॉलिंग इन टू क्वेश्चन या इंक्वायरीज, जब उसमें कोई इंक्वायरी बैठ जाती है, महाभियोग चलाया जाता है। द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग मे बिगिन इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है। साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल मेम्बर्स, तो 1/4 टोटल मेंबर जितने हैं उसका 1/4 मेंबर्स के साइन होना वो जरूरी है उसके ऊपर। द प्रेसिडेंट इज़ गिवन 14 days टाइम टू रिप्लाई टू द नोटिस। राष्ट्रपति को 14 दिनों का टाइम दिया जाता है
उस नोटिस का जवाब देने के लिए, एंड द अदर हाउस सिट्स एज ए कोर्ट ऑफ अपील एंड इन्वेस्टिगेट्स चार्जेस, जो उस पर एलिगेशन लगे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। द प्रेजिडेंट हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ इन पर्सन और थ्रू हिज लॉयर, वो अपना डिफेंड कर सकता है, अपना डिफेंस कर सकता है, खुद कर सकता है या फिर अपने लॉयर से करवा सकता है। इफ़ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बोथ हाउसेज पास द रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है, द प्रेजिडेंट इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाता है। द ऑफिस ऑफ ए प्रेजिडेंट मे इवन फॉल वैकेंट ड्यू टू हिज डेथ, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या बीमारी के दौरान या उसको हटा दिया जाए तब भी उसका पद खाली रहता है, उसकी जो पोस्ट है वो खाली रहती है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इलेक्शंस हैव टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ, इसी दौरान 6 महीनों में इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। इन द मीन टाइम, इसी दौरान वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के का कार्यभार संभालता है, वही सारे कार्य कामों को देखता है। अभी प्रेजेंट में कौन है, मिस्टर रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद क्या है हमारे राष्ट्रपति हैं। इज़ द प्रेजेंट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। ओके, सो आर्टिकल जो 74 है, चलो इस बारे में थोड़ा सा, आर्टिकल 74 क्या बोलता है हमें, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर्स एट द हेड ऑफ टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी उसका जो, एंड हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन द अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, और उसका प्रधान कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करने के लिए, अपनी पावर का प्रयोग करने के लिए करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। जो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, प्रेसिडेंट को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसीडरेशन। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को ऐसी सलाह, मतलब जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसको फिर से उस पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिडंट ब्रिंग एनी चेंज इन दैट एडवाइस, उस सलाह में कोई चेंज नहीं लेके आती, देन प्रेसिडेंट इज़ कंपेल्ड टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस, तो प्रेसिडेंट मजबूर है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की शक्तियां क्या है एंड फंक्शंस, कार्य और शक्तियां क्या क्या प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कार्यकारी फंक्शन क्या होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट, जो भारतीय संविधान है वो क्या कहता है, कि दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, जितने भी कार्यकारी जो आदेश हैं, आर वेस्टेड इन द इंडियन प्रेसिडेंट, वो सारे भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, जितने भी जो डिसीजन होंगे, निर्णय होंगे कार्यकारी से रिलेटेड, वो सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाएंगे। द थर्ड, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑन हिज एडवाइस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट है वही अपॉइंट करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, और उसी की एडवाइस पे, उसी की सलाह पे, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। फोर्थ, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस, सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में उसको, जो हमारे राष्ट्रपति है उसको इन्फॉर्म करने का काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का है। एंड फिफ्थ फंक्शन इज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, गवर्नर्स, मेंबर ऑफ UPSC, एम्बेसडर एक्सेट्रा, इन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है।
Now come to next point, military power. The President is the Supreme Commander of Defence Forces of India. जो भारत वो तीन जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है. एंड द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस. और प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती है ये डिक्लेयर करने की कि स्थिति कैसी है, युद्ध की स्थिति है या शांति की स्थिति है. डिप्लोमेटिक पावर्स जो कूटनीतिक पावर्स होती है, शक्तियाँ होती है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स एम्बेसडर्स अब्रॉड. जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके लिए क्या, जो हमारे राजदूत होते हैं जो विदेशों में किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है. ही इवन रिसीव्स पेपर्स फ्रॉम डिप्लोमेटिक इनवॉइज ऑफ अदर स्टेट्स. सेकंड, ऑल ट्रीटीज मतलब जितनी भी संधियां होती हैं एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधियां होती हैं जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं आर साइन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही साइन किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर. क्योंकि रीज़न क्या होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस. नाउ लेजिस्लेटिव पावर. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन एंड प्रोग्राम द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा. प्रेसिडेंट के पास पावर होती है टू समन नोटिस भेजने की एंड प्रोग्राम ऑफ पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट का जो अधिवेशन है वो कब बुलाना है, और लोकसभा को भंग भी कर सकता है प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ टू द राज्यसभा फ्रॉम अमंग स्पेशलिस्ट इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, मीडिया, कल्चर एंड सो ऑन. विभिन्न क्षेत्रों से 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति. थर्ड वन, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. और प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है दोनों सदनों को संबोधित करने का, लोकसभा और राज्यसभा को, और उनको बुलाने के लिए मतलब उस संसद अधिवेशन को बुलाने के लिए इसका अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होता है. नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज कंसेंट. उसकी परमिशन के बिना कोई भी धन बिल पार्लियामेंट में पेश नहीं किया जा सकता. उसकी कंसेंट मीन्स सहमति. द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू अ बिल आफ्टर विच इट बिकम अ लॉ. जब प्रेसिडेंट अपनी असेंट मीन्स कंसेंट देता है उसके बाद बिल क्या बनता है, कानून बनता है. हाउएवर हालांकि ही कैन सेंड द बिल बैक वंस फॉर रिकंसिडरेशन आफ्टर इट हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. हालांकि राष्ट्रपति उस बिल को दोबारा से भेज सकता है पुनर्विचार कर लिए. एंड इफ़ द बिल इज़ अगेन पास्ड, वो दोबारा फिर से पास हो जाता है आफ्टर रिकंसिडरेशन, ही हैज़ टू गिव हिज अप्रूवल. तो बाद में राष्ट्रपति उसी बिल को अपनी अप्रूवल दे देता है एंड आफ्टर दैट दैट बिल बिकम अ लॉ. बाद में फिर वो कानून बन जाता है. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू इशू प्रोमोगलेट ऑडियंस. ऑडियंस मीन्स स्पेशल ऑर्डर. एन ऑडियंस इज एन ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव विच हैज़ द सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. द ऑर्डिनेंस इज प्रोमोगलेट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन. जब दोनों सदनों का अधिवेशन ना हो रहा तब इसका यूज़ करता है वो. एंड सच एन ऑर्डिनेंस विल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ 6 weeks फ्रॉम द reassembly of parliament. And last one, the president also grants assent to bills reserved by the governor for consideration of the president. Next one is judicial power. न्यायिक शक्तियाँ जो उसकी होती हैं. The president has the power to grant pardon or reduce the punishment that a person receives in the case of court मार्शल और डेथ सेंटेंस. राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है किसी की भी सजा को कम करने की, उसको माफ़ करने की, चाहे उसका कोर्ट मार्शल किया गया हो, चाहे उसको मृत्युदंड फांसी की सजा दी गई हो. नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वाइल इन ऑफिस. प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती. आफ्टर दैट एमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियाँ. एन एमरजेंसी इज़ अ सडन एजेंसी डिमांडिंग इमीडिएट एक्शन. एमरजेंसी क्या था, आपातकालीन, जिसमें क्या होता है इमीडिएटली
एक्शन मतलब कि निर्णय लेना पड़ता है। इन सच ए सिचुएशन द हेड ऑफ द स्टेट अज्यूम स्पेशल पावर। इस सिचुएशन में जो हेड होता है स्टेट का, उसके पास क्या स्पेशल पावर्स होती हैं? द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, आपातकाल की घोषणा डिक्लेयर कर सकता है, अनाउंस कर सकता है इन द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। फर्स्ट वन इज वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। जब कोई देश आक्रमण कर दे, आर्टिकल 352, सच एन एमरजेंसी इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। या तो राज्य के अंदर के अर्थ या राज्य के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था वो फेल हो जाए, या फिर युद्ध की स्थिति हो जाए, उस स्थिति के दौरान वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, मीन एमरजेंसी लागू कर दी जाती है। ड्यूरेशन, दिस टाइप ऑफ एन एमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन वन मंथ एंड इज़ इन ऑपरेशन फॉर 6 मंथ एट ए टाइम। इसकी जो अप्रूवल होती है कम से कम 1 मंथ, महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकती है। इफेक्ट, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट मैंशनड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। द फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 गेट सस्पेंडेड। इस दौरान जो मौलिक अधिकार हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं, बट डिसमिस हो जाते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस टू स्टेट एज टू हाउ दे शुड यूज़ देयर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो नई डायरेक्शन इशू करती है स्टेट के लिए, कैसे वो अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैसी पावर्स का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 356। कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी अराइज व्हेन द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। जब राज्य की व्यवस्था ख़राब हो जाए, इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर, अगर राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट दी जाती है गवर्नर को, इज सेटिस्फाइड विद द स्टेट गवर्नमेंट कांट बी कैरीड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर राज्यपाल एक रिपोर्ट सबमिट कर देता है किसको, राष्ट्रपति को, कि राज्य की जो व्यवस्था है, जो शासन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, सो ही कैन डिक्लेयर प्रेसिडेंट्स रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। ड्यूरेशन सच एज एन एमरजेंसी इज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड फॉर 2 मंथ, 2 महीनों के लिए, एंड फॉर फर्दर कंडीशंस कंटिन्यूएशन इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। और अगर उसको आगे एक्सटेंड कर रहा तो उसके लिए परमिशन ले सकते हैं पार्लियामेंट से। इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके लिए? वही इफेक्ट्स होते हैं, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इट डिसॉल्व और सस्पेंडेड। जो विधानसभा है वो भंग हो जाती है, एंड द गवर्नर इन्जॉय ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर, और सारी जो पावर्स होती है वो गवर्नर के हाथ में आ जाती है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बिहाफ पे। थर्ड होता है फाइनेंशियल एमरजेंसी, आर्टिकल 360। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 360, फाइनेंशियल एमरजेंसी इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड। जब भारत में, जब देश के अंदर क्या आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाए, तब आपातकालीन घोषणा की जाती है आर्टिकल 360 के अंडर। ड्यूरेशन एज पर द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट, जब तक पार्लियामेंट चाहे, संसद चाहे, ये आपातकाल की स्थिति चलती रहेगी। इफेक्ट्स क्या, द यूनियन गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शंस टू स्टेट्स टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल रूल्स, एंड द प्रेसिडेंट इज़ अलाउड टू रिड्यूस सैलरीज। प्रेसिडेंट के पास राइट होता है सैलरीज को कम करने का, एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस, जज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स। एंड नेक्स्ट वन इज discretionary powers of the president, and today we shall discuss this topic. So dear student, today we have discussed 2 different topics. So I request you to listen it twice and thrice to understand this topic, and if you face any problem then you can consult me. So till then, thanks and have a nice day.